हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई थी आर्टिकल्स पे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। नाउन वो वर्ड है That name something such as a person, किसी person का नाम, place का नाम, thing का नाम और idea का नाम कोई भी हो तो वो noun कहलाता है। कैसे? Noun की भी बहुत सारी forms होती है, types of noun, ठीक है। Noun की कौन कौन सी types है पहले हम करेंगे proper noun। पहले मैं आपको बताऊंगी proper noun के बारे में, ठीक है। First आ जाएगा proper, ठीक है, proper noun। A proper noun is a name of someone or something of someone, ठीक है। A proper noun is a name of someone or something which denotes a particular ठीक है, ए विच डिनोट्स ए पर्टिक्यूलर पर्सन आर थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। दिल्ली, ताजमहल, रेड फोर्ट, राहुल, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है। तो क्या है, प्रॉपर नाउन है क्या? ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ समवन और समथिंग। प्रॉपर नाउन जो है ये किसी का, किसी इंसान का या समथिंग, किसी चीज का नाम हो सकता है विच डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन। इसके बारे में अगर नाम दिया हो तो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जाता है। जैसे सीता ले लो आप, राम ले लो आप, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। ये नहीं कि शी या ही यूज करेंगे, नहीं, इसके बारे में हम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन है ये, तो उसका नाम हमें यूज करना ही करना है, तभी वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर हम किसी अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि रीता, सीता, कोई भी है, तो वी हैव टू यूज हर नेम, उसका नाम यूज करना पड़ेगा हमें, सीता, ठीक है, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। और अगर हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तभी हमें उसका पर्टिकुलर नाम बताना होगा। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, तो हमें बताता है कि हम ताजमहल के बारे में ही बात कर रहे हैं, रेड फोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये है दिल्ली, रेड फोर्ट, राहुल, किसी का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ समवन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ समवन समथिंग विच डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन आर थिंग, पर्सन आर थिंग। एग्जाम्पल ले लो दिल्ली, ताजमहल, रेड फोर्ट और राहुल, ठीक है। समझ आ गई आपको प्रॉपर नाउन की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली किससे स्टार्ट हो रहा है? डी, डी से। तो डी क्या है यहां पर? कैपिटल। ताजमहल, टी कैपिटल, ठीक है, एम बी कैपिटल। रेड फोर्ट, आर और एफ दोनों कैपिटल। राहुल, राहुल का आर कैपिटल, ठीक है। एक मिनट, तो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा, प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा
कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ए एन और द, ये आर्टिकल जो है आर नॉट यूज्ड, ठीक है, आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो ये जो आर्टिकल्स है ए एन और द, ये जो है आर नेवर यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले ये कभी भी यूज नहीं होते। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन, समझ आ गई प्रॉपर नाउन के बारे में? ठीक है, तो चले आगे। ठीक है, दूसरा कहते हैं हम, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में समझा दिया मैंने, अब मैं बताऊंगी आपको प्रॉपर नाउन के बारे में। इसके बारे में बताऊंगी अब मैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द, कॉमन नाउन इज द जेनरिक, कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम, कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम फॉर ए पर्सन प्लेस आर थिंग। तो क्या है हमारा कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम, ठीक है, फॉर ए पर्सन प्लेस आर थिंग। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल आ जाएगी इसकी, बॉय सिटी, ठीक है, कैट। अब देखो बॉय, हम किसी बॉय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मींस कि हम पर्टिकुलर नहीं बता रहे कि राहुल के बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं, नहीं, हम हमने लिखा है बॉय, जेनरिक नेम है यहाँ पर। सिटी हम ये नहीं बता रहे कौन सी सिटी, ठीक है, प्रॉपर नहीं है हमें पता, हम सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरह कैट, कैट की भी बहुत सारी जाति है, हम किस कैट के बारे में बात कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। तो ये फर्क है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम फॉर ए पर्सन प्लेस और थिंग, एग्जाम्पल बॉय सिटी और कैट, ठीक है। और इसकी इसमें मैं बताऊंगी कि कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होता है, ठीक है, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द कॉमन नाउन जो है ऑलवेज बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस, ऑलवेज बिगिंस विद ए स्मॉल लेटर, ठीक है। दूसरा हम बताएंगे इसके बारे में कि ए एन और द आर यूज बिफोर कॉमन नाउन, वहां पर क्या था, ए एन और द नहीं यूज होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन में, लेकिन यहां पर ए एन एंड दी आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, ए एन एंड दी आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? ये कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको समझाया है, हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब हम चलेंगे अपने तीसरे नाउन पे, जो है हमारा मेटीरियल नाउन, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मेटीरियल नाउन के बारे में।
मेटीरियल नाउन, ए मेटीरियल नाउन इज ए नेम फॉर, ए मेटीरियल नाउन इज ए नेम, ठीक है, ए मेटीरियल नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज टेंजिबल, ठीक है, ए मेटीरियल नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज टेंजिबल, ठीक है, समझ आ गई। एग्जाम्पल, द बैट इज मेड, द बैट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, द बैट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, फ्रॉम ए ट्री, द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम ए ट्री। ये आ गई हमारी मेटीरियल नाउन की एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए और एन दो आर्टिकल जो है आर नॉट यूज्ड बिफोर मेटीरियल नाउन, ठीक है, ए एन जो है आर नॉट यूज बिफोर मेटीरियल नाउन, तो ए नाउन इसमें बता देंगे मेटीरियल नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज टेंजिबल, तो एग्जाम्पल आ गई द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम ए ट्री, ठीक है, मेटीरियल है ना, ये मेटीरियल है, ये वुड क्या है, वुड इज ए मेटीरियल, ठीक है, तो कहता है ए एन आर नॉट यूज बिफोर मेटीरियल नाउन, ये आप लोग और आप लोगों ने याद रखना है। अब हम चलेंगे कलेक्टिव नाउन पे, कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूजली पीपल ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के यूजली पीपल, ठीक है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूजली पीपल सच एज ए टीम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सच एज ए टीम, ठीक है, सच एज ए टीम, जैसे कि कोई टीम हो गई, फॉर एग्जाम्पल 11 फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, तो ये आ गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूजली पीपल सच एज ए टीम, किसी टीम की बात कर रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल 11 फुटबॉल प्लेयर्स, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। दूसरी ले लो एग्जाम्पल, जैसे मदर फादर एंड टू चिल्ड्रन, ये भी कलेक्टिव है, मदर फादर एंड टू चिल्ड्रन, तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समझ आ गई। तो हमारे हो गए सारे नाउन, ठीक है, कौन कौन से नाउन हो गए हमारे, प्रॉपर नाउन हो गया,
कॉमन नाउन हो गया, मेटीरियल नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को इनके बारे में? आ गई ना समझ? चलो अब मैं मिटाऊंगी, अब मैं आगे करवाती हूँ थोड़ा सा नंबर ऑफ नाउन्स। क्या करवाऊंगी? नंबर ऑफ नाउन्स। जाओ नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन्स में आ जाओ, काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, पहले आ जाओ काउंटेबल नाउन्स, क्या आ जाएगा? काउंटेबल नाउन्स। अब क्या है काउंटेबल नाउन्स के बारे में मैं बता रही हूं। काउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स हूज सिंगुलर फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म, जिनके सिंगुलर फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स हूज सिंगुलर फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है, काउंटेबल COUNTABLE, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स हूज सिंगुलर फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो, जैसे बुक है, बुक की हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं बुक्स, बॉय ले लो, बॉय की प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं बॉयज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन्स। तो दूसरा आ गया अनकाउंटेबल नाउन्स। दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कह रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स हूज सिंगुलर फॉर्म कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जिनकी सिंगुलर फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ गई हेल्थ। ठीक है, अब देखो हेल्थ है, हेल्थ की हम जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, पेट्रोल ले लो। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हेल्थ ले लो, पेट्रोल ले लो, ठीक है, मनी ले लो, वर्क ले लो। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, नाउन्स के पहले टाइप्स ऑफ नाउन्स भी बताया, नंबर ऑफ नाउन्स भी बता दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।